स्टार्ट करेंगे अब हम अपनी सेकंड कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। इसी चीज़ को यूज़ करेंगे, कंपैरिजन ऑपरेटर ही यूज़ करेंगे, लेकिन किसके अंदर? सेकंड कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर। न्यू फाइल यहाँ से के बजाय मैं यहाँ आता हूँ, लोकल साइट ओपन हो गई, न्यू फाइल मैंने यहाँ पे लिख दिया सेकंड कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। ये सब कुछ मैंने मिटाया, नहीं वो सब सेव हो गई ना वहीं पे, कंट्रोल एस। अच्छा देखें, अभी हम ये कहते हैं कि सेकंड कंडीशनल स्टेटमेंट का सेंटेक्स लिख लें पहले। इसका सेंटेक्स कुछ इस तरह होता है कि सबसे पहले आपके पास आएगा इफ, ठीक है, अगर आपकी कंडीशन क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, तो क्या कौन सा काम करो, कोड टू बी कब चलेगी ये, जब कंडीशन ट्रू होगी। कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, कोड उस वक्त एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू हो उस वक्त जो है कोड आपका ट्रू हो जाएगा। एल्स, और ये वाला कब चलेगा, कोड टू बी इफ कंडीशन इज फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल अभी तो आप लोग ये कर रहे थे फर्स्ट कंडीशन में कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी चल जाती थी, ठीक है। लेकिन अब सेंटेक्स कुछ इस तरह से है कि अगर आपकी ये कंडीशन गलत होगी, ठीक है, अगर सही होगी तो ये, अगर ये कंडीशन सही होती है तो ये स्टेटमेंट चलेगी, अदरवाइज फॉल्स होने की सूरत में ये वाला ब्लॉक चलेगा। यानी कि इसके अंदर आपके पास दो ब्लॉक्स हैं, फर्स्ट ब्लॉक के अंदर ये उस वक्त चलेगा जब ट्रू होने की सूरत में, और सेकंड ब्लॉक कब चलेगा, फॉल्स होने की सूरत में। सेकंड कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन में कितने ब्लॉक्स होते हैं, एक, सेकंड कंडीशन में कितने ब्लॉक्स होते हैं, दो। पहला वाला कब चलेगा, जब कंडीशन ट्रू होगी, सेकेंड वाला ब्लॉक कब चलेगा, जब कंडीशन फॉल्स होगी। समझ में आई बात सब लोगों के, ठीक है। अब आपका प्रोग्राम बताएगा कि आपकी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, सही है, ट्रू पे ट्रू बताएगा, फॉल्स पे फॉल्स बताएगा, ठीक है। ये सेंटेक्स लिख लें, और सेंटेक्स में मैं मिस्टेक किसी की नहीं सुनूंगा, ठीक है, बिल्कुल। यह आपको 100% याद होना चाहिए, ठीक है, यह आपको 100% याद होना चाहिए। पढ़ लें इसको, सुकून से देख लें, अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो मुझे पूछें अभी। मुझे हर चीज आप लोगों की एक्सेप्ट हो जाएगी, लेकिन अगर आप लोग सेंटेक्स के अंदर मिस्टेक करेंगे ये मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा बिल्कुल भी, ये प्रोग्राम एक्सेप्ट नहीं करेगा, पीएचपी एक्सेप्ट नहीं करेगा, मैं तो बहुत दूर की बात हूँ, ठीक है। तो आपका कोड ही नहीं रन होगा, और मैं भी इस चीज को बिल्कुल जो है सही नहीं समझूंगा कि अगर आपने सेंटेक्स में मिस्टेक कर दी, तो सेंटेक्स आपके एकदम ओके होने चाहिए तमाम, ठीक है। अगर सेंटेक्स में मिस्टेक करेंगे तो प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, तो प्रोग्राम नहीं बन सकता विदाउट सेंटेक्स में अगर आपने मिस्टेक्स छोड़ी तो। तो जी एग्जांपल कर लेते हैं, एक अदद मैंने कहा डॉलर ए इज इक्वल टू 10, उसी तरीके की एक छोटी सी एग्जाम्पल। फिर मैंने कहा डॉलर बी इज इक्वल टू 5, डबल कोट हटाई दें, ठीक है। डॉलर ए बराबर है 10 के, डॉलर बी बराबर है 5 के। इफ
अगर डॉलर ए बराबर हो जाए डॉलर बी के, तो क्या करो, इको वेरिएबल ए इज इक्वल टू वेरिएबल बी। ठीक है, ये तो हो गई आपकी वही फर्स्ट वाली कंडीशन हो गई ना ये। अब सेकंड इसमें कैसे शामिल होगी, एल्स यानी कि फॉल्स पे ये चलेगा। उसमें आपके फॉल्स पे कुछ नहीं चलता था, लेकिन इसमें आपके पास फॉल्स पे भी कुछ नज़र आएगा, चलेगा व्यू कुछ आएगा नज़र। इको वेरिएबल ए इज नॉट इक्वल टू वेरिएबल ए बी अली, नॉट इक्वल टू वेरिएबल बी। समझ में आई ये वाली बात? पहले वाली कब चलेगी, जब ट्रू होने की सूरत में। सेकंड वाली कब चलेगी, फॉल्स होने की सूरत में। यानी कि रिजल्ट दोनों में आएगा, दोनों दफा आएगा, सही होने पे भी आएगा और गलत होने पे भी आएगा। ठीक है, तो अभी क्या है, नॉट इक्वल टू, अभी क्या है, नॉट इक्वल टू, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है। और अब क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है, तो समझ आई आपको बात? जरा सा फर्क है, सिर्फ एक आपने उसमें ब्लॉक को ऐड करना है, एक एल्स का ब्लॉक उसमें ऐड करना है। तो इसके साथ भी आप लोग इसको लगा के देख लें, ठीक है, और किसी का कोई सवाल है तो ज़रूर कीजिए। जी सरफराज, क्वेश्चन आकिब, साकिब, क्वेश्चन पूछा यार, मुस्कुराने को नहीं कहा। जाहिद, ओके है, सवाल आना चाहिए था वैसे।